जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती वंदना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, और इतनी भीषण गर्मी में मात्र 12 घंटे की सूचना के बाद इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे तिंद्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहन और भाइयों, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, तिंद्वारा विधानसभा क्षेत्र देश के इतिहास को लिखने वाला क्षेत्र है। याद करिए, ये विधानसभा प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दी है और देश को प्रधानमंत्री भी दी है, और इसीलिए जब मुझे यहां पर कार्यक्रम करने के लिए श्री रामकेश निषाद जी ने और श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने कहा, तो मैं अपना कार्यक्रम रोक नहीं पाया। मैंने कहा भी बीच में मेरे कार्यक्रम और जगह लगे, लेकिन बीच का एक रास्ता निकाल करके मैं यहां आऊंगा। अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद कोसाम्बी से यहां आया हो, और यहां के बाद अभी फतेहपुर होते हुए फिर अन्य कार्यक्रमों में निकल जाऊंगा। बहनों और भाइयों, आपके नाम इतिहास लिखने का, इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इतिहास बनाने में इस तरह को मैं नमन करता हूं, और आपके उत्साह के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे जब बुंदेलखंड में आने का अवसर प्राप्त होता है, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड, जमीन आसमान का अंतर है। याद करिए, 10 वर्ष पहले यहां माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया, और यहां पर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए डकैतों का आतंक था, अराजकता थी। ये माफिया किसका संरक्षण प्राप्त करते थे? आज की जो ये समाजवादी पार्टी है ना, ये समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस इन माफियाओं के संरक्षक है। यही लोग इन माफियाओं को यहां से जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते थे, और फिर ये लोग जनता का खून चूसने का काम करते थे, यहां का शोषण करते थे, यहां के संसाधनों पर डकैती डालते थे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारा बुंदेलखंड बदहाल क्यों बना? पलायन का दंश क्यों झेलना पड़ा नौजवानों को? किसानों को आत्महत्या क्यों करना पड़ा? बेटी और बहनें पानी के लिए क्यों तरसती थी? क्यों उनको दो दो चार चार पांच पांच मील जाकर के अपने सिर पर मटकी ले जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था? क्यों नहीं यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई? क्या नहीं है बुंदेलखंड में? क्या नहीं था यहां पे? सब कुछ तो है, लेकिन बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने बदलते हुए बुंदेलखंड को देखा है, और अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत बुंदेलखंड की बारी तो आने वाली, बुंदेलखंड फिर से देश को लीड करेगा, नेतृत्व देगा, इसलिए हम लोग बुंदेलखंड से इतना प्यार रखते हैं। अब बुंदेलखंड में पानी के लिए बेटी और बहन को 5-5 मील नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हर घर में नल होगा और नल में जल होगा, और जल भी आरओ का होगा। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ साथ हर सड़क को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड के पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।
डिफेंस कॉरिडोर झांसी से लेकर चित्रकूट तक ऐसा बनाएंगे कि जब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए जो तोप अपने दुश्मन पर दागेगा उसमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन चित्रकूट और मेड इन बांदा। यहां का प्रोडक्ट देश की सीमा की रक्षा भी करेगा और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेगा। और बहनों और भाइयों, अब तक यहां का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर उधर घटक भटकता था, और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं अगले 5 साल के अंदर देखना दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी इस बुंदेलखंड में। झांसी से लेकर के चित्रकूट के बीच महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जनपदों को जोड़ते हुए हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी अच्छी विकसित एक औद्योगिक सिटी यहां बसाने जा रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब यहां माफिया नहीं आता है, याद करिए। अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, पर वो राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए हैं, तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा, हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। हो गया ना। ये देखो बगल में ये प्रयागराज में और कहां कहां बड़े बड़े माफिया और चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत क्या आतंक मचाए रहते थे, लोगों का जीना आराम कर देते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे, और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में तख्ती लटक गई। अब वो कहते हैं साहब जेल भेज दो बस। हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि तुम जनता का खून चूसते थे। ये जनता का खून चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे, सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते पे आगे बढ़िए, अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं बहन और भाइयों, जिन्होंने बुंदेलखंड को जल के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड को विकास के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड की बहन और बेटियों की सुरक्षा पे सेंध लगाने का काम किया, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों को लूटा खसोटा, उन लोगों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए, तरसा दीजिए। तो चुनाव से ज्यादा अच्छा वक्त कुछ नहीं होता, उनकी जमानतें जब्त करा दो, बस यही सबसे अच्छा अवसर है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। और अब तो बहनों भाइयों, मैं आज सुबह मैं समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया।
अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए, अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के उपाध्यक्ष किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्लीवासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्लीवासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये प्रवृत्ति है, ये लोग क्या नारा लगाते हैं और क्या आचरण करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये बिहार में आरजेडी हो, ये सभी के सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो आम आदमी का खून चूसते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेटी और व्यापारी के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये वर्तमान पीढ़ी का और आप सबका सौभाग्य है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी धमक मचा रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, एक ऐसा भारत जिस भारत में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हैं, 80 करोड़ गरीब राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो रही है, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि लाभ मिल गई है, 12 करोड़ किसानों 12 करोड़ नागरिकों के घर में, जनता के जन घर में एक एक शौचालय बन गया है, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एक एक सिलेंडर पहुंच गया है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये किसके कारण, ये परिवर्तन और ये जो लाभ मिल रहा है, यह है मोदी की गारंटी, मोदी जी के कारण। ये जो परिवर्तन है ये मोदी जी के कारण, ये जो विकास है ये मोदी जी के कारण, ये जो भारत का न दर्शन हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, यह भी मोदी जी के कारण। और इसलिए बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। घोषणा, कार्य शुरू। प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना के माध्यम से, मुफ्त सोलर योजना के माध्यम से फ्री में बिजली हर घर को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब वंचित हैं अभी तक, उन सब के पास जिनके पास मकान नहीं है उनको एक एक मकान भी दे देंगे, अभी से कार्य प्रारंभ होगा। तो बहनों और भाइयों, यह लोग तो ठीक हो ही रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए तो क्या है, राम के नाम का स्मरण। जब अयोध्या से भगवान राम अपने घर से बनव के लिए चले, वो चाहते तो परमपिता परमेश्वर थे, कहीं भी जा सकते थे, उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को चुना, चित्रकूट की धरती को चुना। तो हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए तो इससे ज्यादा आनंद का विषय क्या कि 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गया, अयोध्या में आ गए ना। क्या ये काम सपा और बसपा के लोग कर पाते क्या? अरे निषाद राज जिसके लिए तरसते रहे, पूरा हिंदुस्तान जिसके लिए तरसता रहा, और राम फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, हो गए ना। आप मुझे बताओ, मोदी जी ये प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या ये काम हो पाता क्या?
क्या ये कांग्रेस और सपा के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, ये तो राम के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर रहे थे और हम सबको गौरव होना चाहिए, हम सबको गौरव होना चाहिए। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता पाएंगे कि देखो रामलला का मंदिर हमारे कारण बना है। आप बोलो इस बात को लेकर के, जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है, जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के भाजपा को जिताने में योगदान दिया है, वह हर परिवार अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय ले सकता है, कह सकता है साहब ये मैंने भी किया है। तो यह लोग तो सुधरा ही सुधरा, ये पुण्य तो आपके साथ जुड़ा ही है। और जब पूर्वजों के पास जाने का वक्त आएगा तो परलोक में जाकर के अपने पूर्वजों को ही बता पाएंगे, देखिए आपके संकल्प की पूर्ति हमारा एक वोट करके आया है, हमने रामलला को विराजमान करा दिया है। प्रभु की भी कृपा होगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये वोट पापाचारियों के लिए नहीं है, अत्याचारियों के लिए नहीं है, दुराचारियों के लिए भी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए भी नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए भी नहीं है और रामद्रोहियों के लिए भी नहीं है। आपका एक वोट भारत को आतंकवाद से मुक्त किया है, नक्सलवाद से मुक्त किया है, माफिया राज और डकैतों से मुक्त किया है। और फिर मैं आपका आह्वान करूंगा, आपका एक वोट, वोट आपका, देश आपका और फैसला भी आपका। और ये फैसला जो देश का है, पूरा देश बोल रहा है, जो राम को लाए हैं, क्या बुंदेलखंड भी इसके साथ में है ना? साथ में है ना? सभी लोग इस बात के पक्षधर है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? तो इसका मतलब आप मथुरा का भी रास्ता खुलवाएंगे, खुलवाएंगे ना? सहमत है ना? तो फिर यहां से पुष्पेंद्र चंदेल भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान, और बुंदेलखंड में तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप सोचो उनकी लोकसभा हमीरपुर में भी, महोबा में भी, बांदा में भी, पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। और मेरी आपसे अपील होगी, गुमराह करने के लिए कांग्रेस सपा बसपा के लोग तमाम बातें कहेंगे, इनका काम ही गुमराह करना है, झूठ बोलना है, यही सब जीवन भर करते रहे हैं, आज भी यही करेंगे, ये चुनाव के दौरान भी यही करेंगे। और मेरी तो आपसे अपील होगी, एक ही अपील होगी मेरी आपसे कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव देश के लिए है और देश के लिए मोदी जी आवश्यक है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे। एक ही संकल्प लोगों का है, पूरे देश, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों ओर एक ही आवाज है। आप भी उस आवाज के साथ है ना? और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, एक एक मतदाता से अपील करनी पड़ेगी। अरे भाई, देश के लिए चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, ये कांग्रेस सपा और अन्य जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं, ये देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं, इनको देश की कीमत पर राजनीति नहीं करने देना है। बोलेंगे ना? बोलेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा, चुनाव होने जा रहे हैं और 20 मई का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं। इन 3 चरणों में अब हमको 400 पार के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। बढ़ेंगे। पुष्पेंद्र चंदेल चुनाव जीत के जाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।
श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।